हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन फॉर द न्यू टाइटल। आपका जो था वो रह गया था, जो आपका हम उस शुरुआत करते हैं कि मुगल स्वर जो देख रहे कहाँ से, मुगल स्वर फ्रॉम द पहला जो था ये हमने कहाँ छोड़ा था, यहाँ से था। द टर्म इज फ्रिक्वेंटली यूज टू रेफर द डोमेस्टिक वर्ल्ड ऑफ द मुगल। मुगल्स के जो डोमेस्टिक वर्ल्ड को यूज करने के लिए है उसको हम बोलते हैं, हरम बोलते हैं। और जरोखा दर्शन की शुरुआत है वो अकबर के टाइम हुई थी, ठीक है। स्लेव इंसान दी मूड बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइफ ऑफ द हाउस होल्ड एज गार्ड सर्वेंट्स एंड ऑल्सो एज द एजेंट्स ऑफ वीमेन्स आर ख्वाजा सरा, उनको बोला जाता था। स्पेशली ये फीमेल्स होती थी ख्वाजा सरा। दे द सुपरवाइज द कॉर्प्स ऑफ कोर्ट्स राइटर्स एंड रिकॉर्ड और एप्लीकेशन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंटेड टू द कोर्ट। मीर बख्शी का ही काम होता था। साथ ही मीर बख्शी यहाँ का आर्मी से रिलेटेड जो मनसबदार होते थे उनकी उनको भी पहली बार दरबार में पेश करने का मीर बख्शी के द्वारा किया जाता था। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज हु रिपोर्टेड डायरेक्टली टू द एम्परर, उसका नाम गवर्नर या सूबेदार होता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सूबा, सूबा के नीचे हमने बात की थी, क्या होता है सूबा के नीचे, याद करने की कोशिश कीजिए। नहीं याद है तो पीछे की तरफ जाइए, मतलब आप भूल गए हो, ठीक है। सूबा के नीचे जो अधिकारी होता था वो फिर आपके डायरेक्टली फिर परगना, परगना के नीचे जो आपका जो स्पेशलाइजेशन होता था उसमें फिर गांव वाला सिस्टम आता था। और फिर उसके बीच में एक सरकार वाली कड़ी होती थी जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। और सरकार के अंदर जो अधिकारी होता था वो आपका फौजदार के नाम से उसको जाना जाता था। MCQ है कि एक मुगल्स थे वो कहाँ से थे, तो मुगल्स से थे वो नॉर्मली सी मुगल्स वर डिसेंडेड ऑफ टर्किश रूलर तैमूर से उनका संबंध था, ठीक है। और बाबर का सक्सेसर हुमायूं था। इनका क्रम तो आपको याद ही होगा कि सबसे पहले बाबर था, बाबर का हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, और लास्ट था बहादुर शाह सेकंड, जिसको रंगून जेल में भेज दिया गया था 1858 में। आफ्टर 1707 मुगल डायनेस्टी बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मुगल डायनेस्टी में क्या होता है, तो मुगल डायनेस्टी डिमिनिश्ड फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी वो धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। मुगल क्रॉनिकल्स हाईलाइट दी प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल, और क्रॉनिकल्स बाय मुगल एम्परर्स गिव अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओनली। मुगल क्रॉनिकल्स आर अबाउट द एक्टिविटी ऑफ औरंगजेब ओनली, तो डी वाला है कि क्रॉनिकल्स फोकस ऑन इवेंट्स सेंटर्ड ऑन द रूलर्स हिज फैमिली कोर्ट एंड नोबल। इन क्रॉनिकल में सारी बातें आई हैं क्योंकि इनमें से कुछ क्रॉनिकल में उनकी फैमिली कोर्ट नोबल इन सब के बारे में बताया गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से स्टेटमेंट कौन है, ऑल दी मुगल क्रॉनिकल्स वर रिटन इन टर्किश, ये गलत है, टर्किश में केवल बाबर ने लिखा है जो उसने अपनी कविताएं लिखी हैं। ऑल दी मुगल क्रॉनिकल्स वाली हिंदी भी, हिंदी में भी नहीं है, ज़्यादातर मुगल क्रॉनिकल्स उनको पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज है वो कोर्ट की भाषा थी मुगल एम्पायर में। और पर्शियन लैंग्वेज वो कोर्ट की भाषा किसने बनाया था, अकबर के द्वारा। मोस्ट ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स वर रिटन इन दी पर्शियन, ज़्यादातर मुगल क्रॉनिकल्स हैं वो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है। किताब खाना, किताब खाना वाजे इस क्या था इनमें से, ए बी सी डी में से, तो बी आंसर सही है। इस एक्सपोजोरियम वेयर मोनोस्क्रिप्ट प्रोड्यूस एंड इट्स कलेक्शन वर केप्ट, जहाँ पर ये मोनोस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता था और उनको कलेक्ट करके रखा जाता था। अबुल फजल डिस्क्राइब पेंटिंग, पेंटिंग्स को अबुल फजल ने कैसे बताया, पेंटिंग्स को अबुल फजल ने एक मेजिकल आर्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है। ऑथर ऑफ द बादशाह नामा, बादशाह नामा के ऑथर कौन है, अबुल फजल सदाउल खां, अब्दुल लाहौरी और प्रिंस सलीम, तो अब्दुल हमीद लाहौरी हैं बादशाह नामा के लेखक। मुगल आर्टिस्ट बिगेन टू पोर्ट्रे एम्प्रेस वियरिंग द हेलो, विच मीन्स हेलो का मतलब डिवाइन लाइट होता है, हेलो हेलो उसको बोलते थे। जो मुगल एम्प्रेस की ज़्यादातर स्पेशली जहांगीर की पेंटिंग आप देखोगे तो उसका जो फेस है उस फेस के चारों तरफ एक आभा मंडल बनाया गया है, इसको हेलो बोलते हैं। तो इस आभा मंडल से एक डिवाइन लाइट वाली थ्योरी को उन्होंने इंस्क्राइब करने की कोशिश की। द आइडिया ऑफ सुलह कुल, सुलह कुल का जो आइडिया था वो था एब्सोल्यूट पीस से रिलेटेड था। सुलह कुल का मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस, पूर्ण शांति। ओके, कुछ और मत लिख देना, रिलीजन वगैरह इसका आंसर मत लिख देना, एक एब्सोल्यूट पीस से रिलेटेड था ये आइडिया। आइडिया ऑफ सुलह कुल वाज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट पीस। द आइडिया ऑफ फर इज दी, फर इज दी का मतलब था कि ये लाइट इमेटिंग फ्रॉम गॉड, ये अबुल फजल ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि बादशाह के पास फर इज दी है, कि बादशाह के पास जो डायरेक्ट लाइट है वो गॉड से आ रही है। तो यहाँ पे उन्होंने जो हिंदू धर्म में जो डिवाइन थ्योरी किंग किंगशिप थी उसी को उन्होंने, अबुल फजल ने इसको इंट्रोड्यूस किया है अपनी बुक में फर इज दी के नाम से। हेरार्की ऑफ फीमेल्स इन दी इंपीरियल हाउस होल्ड वाज, इंपीरियल हाउस होल्ड में जो फीमेल्स की हेरार्की थी वो क्या थी, तो पहले सबसे पहले बेगम आती थी, बेगम जो वो उसके बाद आगा जाती थी, उसके बाद आगा जाती थी, ठीक है। उनकी बहुत सारी वाइफ्स होती थी, उनकी हेरार्की यहाँ बतानी थी। बाजार ऑफ चांदनी चौक वाला डिजाइन, चांदनी चौक का बाजार उसको जहां नारा ने डिजाइन किया था। मनसब समेत दो चीज़ें होती थी, जो जो कि एक जात होती थी एक सवार होती थी। जो जात पद है वो उसके पेमेंट्स और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्काइज करता था, और जो सवार पद है वो कितने क्लेवरी रखेगा, मतलब कितने हॉर्समैन उसके पास होंगे, ये उसके सवार से पता चलता था। जात और सवार मनसब से
द फर्स्ट जेसुइट मिशन रीच टू मुगल कोट एट, जो पहला मिशन था जेसुइट मिशन का, वो मुगल कोट आया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में जो इबादत खाना था वहाँ पर उनको डिस्कशन के लिए अकबर के द्वारा इन्वाइट किया गया था। टू एंड फोर से इन द रीजन ऑफ औरंगजेब द रजिया वाज री इम्पोज ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। रजिया दोबारा से री इम्पोज किया गया था औरंगजेब के द्वारा, ये बात सही है। जजिया को पहली बार 1564 में अकबर के द्वारा हटा दिया गया था, उसके बाद औरंगजेब के टाइम से दोबारा से री इम्पोज कर दिया गया था। जजिया जो टैक्स था वो नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, ठीक है। द बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट टू द कॉन्फिडेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ द मुगल्स और बंगाल। बुलंद दरवाजा का निर्माण बंगाल विक्ट्री के अवसर पर बनाया गया था। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा करवाया गया था, और ये गुजरात विजय के, गुजरात की विक्ट्री के बेस पे इसको बनाया गया था। जरोखा दर्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई जहांगीर टू प्रोवाइड फेयर जस्टिस टू इस सब्जेक्ट। तो जरोखा दर्शन वाज जो पढ़ था वो जहांगीर ने नहीं बल्कि अकबर ने शुरू की थी। एक काउंटर अप्रोच एंड ऑफर्ड लार्ज अमाउंट टू द एम्पायर विच वाज कॉल्ड पेशकश। पेशकश सर जो राजा को जो पेश दिया जाता था भेंट, उसको पेशकश बोला जाता था। आगाज वर द वाइफ ऑफ मुगल रूलर्स हु वर नॉट ऑफ द नोबल बर्थ। ये बात सही है, जो नोबल बर्थ वाली होती थी उनको बेगम बोला जाता था, और मुगलों की भी पत्नियां जो कि नोबल से नहीं थी, जिनका जन्म नोबल बर्थ से नहीं हुआ था, उनको आगा के नाम से जाना जाता था। जहाँ आरा एंड रोशन आरा वर द डॉटर्स ऑफ अकबर हु कंट्रोल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट गलत है, ये दोनों शाहजहाँ की बेटियाँ थी जिन्होंने इन फाइनेंशियल रिसोर्स के ऊपर काम किया था। सूरत का बंदरगाह भी इनके अंडर में रहता था, ठीक है। तो ये दोनों अकबर की बेटी नहीं थी बल्कि ये दोनों शाहजहाँ की बेटियाँ थी। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इन टू उर्दू लैंग्वेज एज द रज़्मनामा बुक ऑफ वार्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, महाभारत का जो ट्रांसलेशन हुआ पर्शियन लैंग्वेज में हुआ, ना कि उर्दू लैंग्वेज में हुआ। द मुगल किंग्स कमीशन्ड कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स। ये बात सही है, उन्होंने बहुत सारी क्रॉनिकल्स लिखाई अपने दरबारियों से। मुगल रेफर्ड टू द मंगोल्स आर डिसेंडर्स ऑफ द मंगोल रूलर तैमूर। ये स्टेटमेंट गलत है, वो तैमूर से अपने आप को कभी भी कनेक्ट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि तैमूर ने जब दिल्ली के ऊपर अटैक किया था 1391 में, तो उसकी बुरी यादें दिल्ली से जुड़ी हुई थी, तो इसलिए वो अपने आप को तैमूर से हमेशा दूर रखने की कोशिश करते थे। ओके, अकबर हैड थ्री एबल सक्सेसर्स इन जहांगीर, शाहजहाँ एंड औरंगजेब। ये स्टेटमेंट सही है, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब शासक बनता है। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द पावर ऑफ मुगल डायनेस्टी फ्लरिश्ड। की मुगल औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल डायनेस्टी और फ्लरिश हुआ, ये स्टेटमेंट गलत है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर वो धीरे धीरे डिक्लाइन पोजीशन में आ गया था। दैट लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी वाज औरंगजेब। ये स्टेटमेंट गलत है, लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी बहादुर शाह सेकंड था। एज द मुगल वर मुगल्स वर पर्शियन ओरिजिन सो देयर फर्स्ट रूलर बाबर रोट पोएट्री इन पर्शियन। तो बाबर ने पर्शियन लैंग्वेज में नहीं लिखा बल्कि बाबर ने टर्किश लैंग्वेज में लिखा है। पर्शियन लैंग्वेज ओरिजिनेट फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ उर्दू विद हिंदी। ये भी स्टेटमेंट गलत है, पर्शियन लैंग्वेज का निर्माण उर्दू और हिंदी से नहीं हुआ है बल्कि हिंदी पर्शियन और हिंदी से उर्दू का निर्माण हुआ है। ओके, पर्शियन खुद एक पर्शिया की लैंग्वेज है, वहीं से इसको अडॉप्ट किया गया है। अबुल फजल वाज सन ऑफ शेख मुबारक हु वाज ट्रेंड फॉर द सोहरावर्दी फिलोसफी। ये स्टेटमेंट सही है, अबुल फजल के फादर शेख मुबारक थे जो कि सोहरावर्दी फिलोसफी में ट्रेंड थे। अगला, अकबर इम्पोज द टैक्स ऑन पिलग्रिम इन 1563 एंड जजिया इन 1564 एज द टू वर बेस्ड ऑन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, बल्कि अकबर ने 1563 में जो पिलग्रिम टैक्स होता था उसको हटा लिया था, और 1564 में जजिया टैक्स को अकबर के द्वारा हटा दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया गया। वन ऑफ द फेवरेट सिम्बल्स यूज बाई द आर्टिस्ट ड्यूरिंग मुगल्स वर द मोटिव ऑफ द लॉइन एंड द लैम्प पीसफुली नेक्स्टिंग नेक्स्ट टू इच अदर सिग्निफाइज वीक एंड स्ट्रॉन्ग कैन नॉट लिव टुगेदर। ये स्टेटमेंट गलत है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग कैन लिव टुगेदर है, इसमें कैन नॉट लगाकर इस स्टेटमेंट को गलत बनाया गया है। एग्जाम में इन चीज़ों का ध्यान रखना कि कहाँ पे वो नोट लगा देते हैं, कहाँ पे नोट को हटा देते हैं। इन 1585 द कैपिटल वाज ट्रांसफॉर्म टू ब्रिंग द नॉर्थ वेस्ट अंडर ग्रेट कंट्रोल। ये स्टेटमेंट गलत है, 1585 में कैपिटल को अकबर ने फतेहपुर सीकरी से लाहौर ट्रांसफर कर दिया था, वो भी 1585 में नहीं 1595 में किया गया था। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंडेड बाई श्री हेनरी ब्रेवरीज इन 1784। ये स्टेटमेंट गलत है, हेनरी ब्रेवरीज ने इसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया था, बल्कि ये इस्टेब्लिशमेंट नाम ध्यान में नहीं आ रहा मेरे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज इस्टेब्लिश बाई, क्लास 8th में भी है ये सवाल, आप देखोगे तो एक बार देख लेना बुक में से नाम क्या है इसका, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसकी पिक्चर भी है क्लास 8th में शायद, थर्ड या थर्ड चैप्टर। मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर हु ऑनर्ड विद द टाइटल जरीन कलम। जरीन कलम ये हाथ से जो सुंदर हस्तलेख लिखता था उसके लिए इसे अकबर के द्वारा टाइटल दिया गया था, ये कश्मीर से रिलेटेड था। शेरशाह सूरी डिफीटेड मुगल किंग हुमायूं। ये स्टेटमेंट सही है, मुगल किंग हुमायूं को शेरशाह सूरी ने डिफीट कर दिया था, उसके बाद हुमायूं हुआ वो भागकर ईरान चला गया था। चैप्टर नंबर 10 परमानेंट सेटलमेंट हैड केम इन टू ऑपरेशन इन द ईयर 1793। सही है, 1793 में इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था परमानेंट सेटलमेंट, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट
जितना भारत में अलाउ किया गया फर्स्ट लैंड सेटलमेंट है। इसके अलावा जो दो सेटलमेंट थे वो थे रैयतवाड़ी सेटलमेंट और महलवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट है वो डेक्कन के इंडिया में हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में लागू हुआ था और महलवाड़ी सेटलमेंट साउथ इंडिया में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेक्कन रीजन ऑफ इंडिया। रैयतवाड़ी सेटलमेंट है वो भारत के डेक्कन रीजन में शुरू किया गया था। डेक्कन रीजन जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है उसको बोलते हैं। फ्रांसिस बकाकन सर्वे ऑफ नॉर्थ बंगाल हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट रिच पीजेंट्स ऑफ हिज एरिया वर नोन एज जोतदार्स। फ्रांसिस बुकाकन के सर्वे में बोला गया कि जैसे ही बंगाल के अंदर जमींदारों की पावर कम होने लगी तो वहाँ पर एक नया ग्रुप उभर के आया जो जो कि फार्मर्स थे। ये वो फार्मर्स थे जो कि धीरे धीरे ज़्यादा लैंड एक्वायर करके पावरफुल हो गए थे, तो इन फार्मर्स का नाम उसने जोतदार दिया है। रिपोर्ट सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज पॉपुलराइज एज द फिफ्थ रिपोर्ट। ये तो आपको पता होगा। ट्राइबल पीपल ऑफ पहाड़ियाज एंड संथाल्स वर लिविंग इन द राजमहल हिल्स एंड अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। तो राजमहल हिल्स में जो पहाड़िया और संथाल रहते थे ट्राइबल लोग, उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज का अपोज किया। शुरुआत में संथाल ब्रिटिशर्स के साथ थे लेकिन बाद में दामी नौकों के बाद जब टैक्सेशन बढ़ाया गया तो संथाल्स ने भी वहाँ पर विद्रोह कर दिया था। द पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अगेंस्ट पहाड़ियाज वॉज प्रपोज बाय द ऑगस्टस क्लीवलैंड इन द ईयर 1770। पैसिफिकेशन की जो पॉलिसी थी पहाड़ियों के खिलाफ राजमहल हिल्स में वो ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा 1770 में शुरू की गई थी। कॉलोनियल रूल वो सबसे पहले बंगाल में स्टेब्लिश हुआ था, तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764, और उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन स्थापित हुआ था। ओवर द 95% ऑफ द स्टेट सेल एट द ऑक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ द राजा वर फिक्सिशियस। के 95% ऑफ सेल जो ऑक्शन को सेल किया जाता था उसमें 95% थी वो फिक्सिशियस थी, क्योंकि जो पुराने तरीके अपनाकर जो जमींदार होते थे वो दोबारा से उन सेल्स को दोबारा अपने राज नौकर वगैरह के नाम से खरीद लेते थे, तो ये फिक्सिशियस पेमेंट होता था। बाय द 1770 द रूरल इकोनॉमी इन बंगाल वॉज इन क्राइसिस विद द रिक्रूटमेंट विद द रिक्रूट फैमिलीज एंड डिक्लाइनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बंगाल में 1770 में जो रूरल इकोनॉमी थी वो बहुत ही क्राइसिस से गुजरी थी, क्योंकि लगातार वहाँ पर अकाल आ रहे थे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वो डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी हैड ए मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसके अंदर मोनोपोली थी, यानी कि इंग्लैंड से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सारे अधिकार दिए गए थे इन दोनों के साथ व्यापार के, बाकी किसी कंपनी को ये अधिकार नहीं दिए गए थे। 1600 में एक चार्टर क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा जारी किया गया था जिसके द्वारा यह मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी, जिसे बाद में 1813 में चाइना के साथ मोनोपोली खत्म हुई और 1833 में इंडिया के साथ मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विद द राजाज एंड द तालुकेदार्स ऑफ जमींदार्स। और बंगाल परमानेंट सेटलमेंट है वो बंगाल के राजा और तालुकेदारों को के द्वारा के साथ किया गया था, जिन्हें कि कलेक्टिव रूप से जमींदार भी बोला जाता है। एट द टाइम ऑफ रेंट कलेक्शन एंड ऑफिसर ऑफ द जमींदार यूजुअली अमला केम अराउंड टू द विलेज। रेंट कलेक्शन के रूप में यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन के टाइम जो जमींदार का जो अधिकारी जो गाँव में आता था उसको अमला बोला जाता था। इन कंपनी कैलकुलेशन द विलेज विद इन वन दरी फॉर्म्ड वन रेवेन्यू स्टेट। कंपनी के जो कागजात होते थे जिनमें वो कैलकुलेशन करते थे रेवेन्यू का, उसमें जो विलेजेस थे वो एक जमींदारी के अंडर आने वाले जो सारे विलेजेस थे उनको कलेक्टिव रूप से रेवेन्यू स्टेट के नाम से जाना जाता था। अकॉर्डिंग टू द सनसेट लॉ, सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग इफ पेमेंट डिड नॉट कम इन बाई इन बाई द सनसेट ऑफ द स्पेसिफिक डेट द जमींदारी वॉज लाइबल टू बी ऑक्शनड। यदि सनसेट लॉ के अकॉर्डिंग सूर्य के डेट है उस डेट के सूर्यास्त तक यदि जमींदार अपना पेमेंट नहीं दे पाता है तो उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाता था, तो इस लोगों सनसेट लो बोलते हैं। अभियार्स और दी बर्गरदार्स वर दोज हु बोर्ड देयर ओन प्लोज लेबर इन द फील्ड एंड हैंडेड ओवर हाफ द प्रोड्यूस टू द जोतदार्स आफ्टर दी हार्वेस्ट। ये जोतदार जो बड़े जमींदारों की पावर कम होने के बाद जो गांव में जो बड़े बड़े किसान बन गए थे जिनको जोतदार बोला जाता था, तो वो इन अधिदार और बर्गरदार्स के द्वारा अपने खेती में उनकी हेल्प से खेती करवाते थे और उसके बाद टोटल प्रोडक्शन होता था वो बांट लिया जाता था। If life was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivators, the settlers came to represent the power of the plow. ठीक है, तो जो hoes है वो पहाड़िया के साथ जुड़ा हुआ है और जो plow है वो संथाल्स के साथ जुड़ा हुआ है, यानी जो पहाड़िया लोग होते थे वो कुदाल का यूज करते थे और संथाल लोग होते थे वो हल का यूज करते थे, तो इन दोनों का ही सिम्बोलाइज है। इन 1850 बाई 1832 ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड वॉज डी मार्केटेड एज द दामिनेको। दिस वॉज डिक्लेयर टू बी द लैंड ऑफ द संथाल्स। पहाड़ियों को जब वहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया तो वहाँ की जो ज़्यादातर ज़मीन थी राजमहल हिल्स की उसको दामिनेको का नाम दिया गया और इसे संथाल्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन 1857 दी कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन ब्रिटेन विद द ऑब्जेक्टिव टू एनकरेज कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन उसका संगठन ब्रिटेन में बनाया गया था
इन 1859 द ब्रिटिश पास्ट ए लिमिटेशन लॉ दैट इज स्टेटेड दैट द लोन बाउंड साइंड बिटवीन मनी लेंडर्स एंड रोइट्स वुड हैव वैलिडिटी ओनली फॉर 3 ईयर्स। ये लिमिटेशन लॉ 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास किया था। इसका मेन रीज़न ये था कि मनी लेंडर्स के द्वारा जो एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था उसको रोकना था। इसमें ये कहा गया था कि जो बॉन्ड लिखवाया जा रहा है मनी लेंडर्स के द्वारा, उस बॉन्ड की जो लिमिटेशन है वो केवल 3 साल तक होगी, मतलब उसकी वैधता केवल 3 साल तक होगी। लेकिन मनी लेंडर्स क्या करते थे कि 3 साल के बाद एक नया बॉन्ड लिखवा लेते थे, तो इस लॉ को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट सही प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जा सका। 1859 में इसे लागू किया गया था। डीड्स एंड बॉन्ड्स रिपेयर्ड एज द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ऑपरेसिव सिस्टम। ये इसको MCQ या वन लाइन की याद रखना कि अब जो पीजेंट्स के लिए जो डीड्स और बॉन्ड्स थे वो नए ऑपरेसिव सिस्टम के एक सिंबल के रूप में सामने आए। जोधदार स्वर जोधदार कौन थे? तो जोधदार रिच पीजेंट्स थे गांव के, जिनको जोधदार बोला गया है बुकाकन के द्वारा। परामेट सेटलमेंट में रेवेन्यू है वो फिक्स किया गया था एक बार, उसको दोबारा से रिवाइज नहीं किया जा सकता। फिक्स इंडिया प्रिपेटरी हमेशा के लिए फिक्स हो चुका था। होलोदार्स गेंडियार्स एंड मंडल्स वर द नेम ऑफ द जोधदार्स। ये जोधदार्स के अलग अलग नाम थे। दामिनी को वाज एन एरिया गिवन बाय द ब्रिटिश टू द संथाल्स। संथाल्स को दिया गया जो एरिया था राजमार हिल्स का, उसको दामिनी को के नाम जाना जाता है। आफ्टर द डीमार्केशन ऑफ दामिनी को के डीमार्केशन के बाद संथाल सेटलमेंट्स एक्सपेंडेड रैपिडली। संथालों का सेटलमेंट राजमहल हिल्स में बहुत तेजी से बढ़ा। द परामेट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल इन 1793। ऑप्शन सी, पाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स, बिकॉज पाड़ियाज हैं वो प्लेन्स में रहने वाले लोगों के ऊपर लगातार रेड डालते रहते थे, उसका रीजन था फॉर सर्वाइवल स्पेशली ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ सेक्रेटरी। जब भी खाने की कमी होती थी तो उस समय अपने सर्वाइवल के लिए प्लेन्स की तरफ आते थे। पाड़िया जो ट्राइबल सोसाइटी थी, जब उनको फॉरेस्ट में कुछ कमी होती थी तो वो प्लेन्स की तरफ आते थे। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन वॉज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश टू पैसिफिकेशन की पॉलिसी ब्रिटिशर्स के द्वारा शुरू की गई थी क्लीवलैंड के द्वारा टू कंट्रोल दी पाड़िया बाय गिविंग अलाउंसेज टू देयर चीफ्स। इस पॉलिसी में क्या गया था, पाड़िया के जो चीफ्स थे उनको अलाउंस दिए गए थे और इसके बदले में जो पाड़िया चीफ थे उनको अपने अंडर आने वाले ट्राइबल्स को कंट्रोल में रखना था। वाई वर दी पाड़ियाज अप्रीहेंसिव टू बुकानन्स विजिट टू दिस एरिया। बुकानन ने जब राजमहल हिल्स को विजिट किया तो पाड़िया लोग थे उसके प्रति इतनी अप्रीहेंसिव क्यों थे? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है, ही रिप्रेजेंटेड ए पावर दैट वाज रिस्टोरिंग देयर वे ऑफ लाइफ एंड रिड्यूसिंग देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल। क्योंकि बुकानन है वो उस ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस पावर को रिप्रेजेंट कर रहा था जो जो कि पाड़िया लोगों का जीवन जीने का तरीका है उसको बर्बाद कर रहा था, और साथ ही उनके सर्वाइवल के पार्ट्स को भी कम किया जा रहा था। क्योंकि पाड़िया लोग थे वो ट्राइबल लोग थे और वो वहाँ पर सेटल कल्टीवेशन नहीं करना चाहते थे, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहते थे कि सेटल कल्टीवेशन शुड बी इन्फोर्स्ड। आइडेंटिफाई द मेन फीचर ऑफ द लिमिटेशन लॉ पास्ड इन 1859 बाय द ब्रिटिश। 1859 का लॉ है वो मनी लेंडर्स के ऊपर लागू किया गया था, तो इसका आंसर डी है, लोन बॉन्ड साइंड बिटवीन द मनी लेंडर एंड द रॉयट्स वुड हैव वैलिडिटी ओनली फॉर 3 ईयर्स। कि जो धन देने वाला जो मनी लेंडर है और जो किसान है उसके बीच में जो बॉन्ड साइन किया जाएगा उसकी वैलिडिटी केवल 3 साल होगी, ये इस लॉ में बताया गया था। नेम द ऑफिसर ऑफ द जमींदार हु कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। जमींदार की ओर से जो लैंड पीजेंट से जो रेवेन्यू कलेक्शन करता था उस अधिकारी का नाम अमला था। पॉलिसी ऑफ एक्टिव मेडिसिन अगेंस्ट पाड़ियाज वार स्टार्टेड बाई विच ब्रिटिश ऑफिसर। तो इस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था अगस्टस क्लीवलैंड। फिफ्थ रिपोर्ट में क्या हाईलाइट हुआ था? फिफ्थ रिपोर्ट हाईलाइटेड द अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये फिफ्थ रिपोर्ट का हाईलाइटेड इशू है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज पर क्रॉनिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आपका परमानेंट सेटलमेंट आया, उसके बाद रेतवाड़ी आया है, उसके बाद आपका लिमिटेशन लॉ आया है। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी सेटलमेंट और लिमिटेशन लॉ पर। परमानेंट सेटलमेंट 1793, रेतवाड़ी सेटलमेंट 1820 के बाद लिमिटेशन लॉ है वो 1859 में आया है। ओके, इफ ए पेमेंट डिड नॉट कम इन बाय द स्पेसिफिक डेट दी जमींदारी वाज ऑक्शन विच लॉ वाज इट। ये लॉ का नाम था सनसेट लॉ। और ट्रू फॉल्स में द रेवेन्यू डिमांडेड वाज फिक्स्ड अंडर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये सही है, एक बार जो रेवेन्यू डिमांड थी वो फिक्स हो जाती थी इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट बोला गया है। रिकार्डोज आइडियाज फॉर्मुलेटेड इन द स्टेट ऑफ बंगाल फॉर अर्ली रेवेन्यू सेटलमेंट इन 1820। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डेविड रिकार्डो के जो आइडियाज़ थे उसके बेस पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट को शुरू किया गया था और ये बंगाल में नहीं हुआ था बल्कि इसको डक्कन के पार्ट में इस्टेब्लिश किया गया था 1820s में। ओके, द रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन द बोम्बन डेक के रीजन वाज नोन एज द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये सही है, ये सेटलमेंट का नाम रैयतवाड़ी इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो रेवेन्यू अरेंजमेंट था, रेवेन्यू सेटलमेंट था, वो डायरेक्ट रैयत के साथ किया गया था, यानी डायरेक्ट पीजेंट्स के साथ किया गया था। द कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंडेड इन 1857 इन इंडिया। ये स्टेटमेंट गलत था, 1857 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था लेकिन ये लंदन में ये एसोसिएशन बनी थी यानी ब्रिटेन में बनी थी।
इंडिया वाज सीन एज अल्टरनेटिव फॉर सप्लाई ऑफ कॉटन टू लंका शायर। लंका शायर की जो कॉटन सप्लाई यूएसए से होती थी तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में इंडिया को देखा गया था। ये स्टेटमेंट सही है। इन बॉम्बे डेक्कन रीजन द प्राइसेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फेल शार्पली बिफोर 1832। ये स्टेटमेंट गलत है। 1832 में कीमतें नहीं गिरी थी बल्कि कीमतों की गिरावट 1865 के बाद हुई थी। 1832 के बाद कीमतें बढ़ गई थी। इन 1878 द डेक्कन रॉइड्स कमीशन प्रोड्यूस्ड ए रिपोर्ट टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिगार्डिंग द कॉजेज ऑफ रॉइड्स। तो डेक्कन में जो रॉइड्स हुए थे उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट डेक्कन रॉइड कमीशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की है। ये स्टेटमेंट सही है। बाई 1865 कॉटन प्रोडक्शन इन अमेरिका रिवाइव्ड एंड इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट इन ब्रिटेन डिक्लाइंड। ये स्टेटमेंट सही है। यूएसए में जब सिविल वॉर खत्म हो गया तो 1865 के बाद यूएसए से कॉटन प्रोडक्शन दोबारा से रिवाइव हो गया, जिसके कारण इंडियन कॉटन प्रोडक्शन है वो ब्रिटेन को उसका एक्सपोर्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। द प्रॉमेट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1892। ये गलत है। इसका ये इंट्रोडक्शन 1793 में हुआ था। जी जोधदार्स वर मोस्ट पावरफुल इन नॉर्दर्न बंगाल ड्यूरिंग द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट सही है। जैसे ही जमींदार्स की पावर कम हुई तो वहाँ पर जोधदार एक नए ग्रुप के रूप में पावरफुल बन के आए। पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश नेशन एज ए होल। पॉलिटिकल ग्रुप्स आर्ग्यूड दैट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश नेशन एज ए होल। ये स्टेटमेंट गलत है। जो बंगाल का कॉन्क्वेस्ट होता है वो शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था, उसमें ब्रिटिश नेशन का कोई मतलब नहीं था। द फिफ्थ रिपोर्ट डेल्ट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया प्रोड्यूस्ड बाई ए सेलेक्ट कमेटी। ये स्टेटमेंट सही है। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक सेलेक्ट कमेटी के द्वारा फिफ्थ रिपोर्ट तैयार की गई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। पाड़ियाज वर द हिल फोल्क लिविंग अराउंड राजमहल हिल्स ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट सही है। जो पाड़ियाज लोग थे, ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे, वो राजमहल हिल्स में रहते थे। बुकानन ट्रेवल्ड एंड डिस्क्राइब द राजमहल हिल्स एज दी इम्पेंट्रेबल। ये स्टेटमेंट भी सही है। बुकानन ने यहाँ पे ट्रेवल किया था। द संथाल प्रज्ञा वॉज क्रिएटेड बिफोर द संथाल रिवोल्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। संथाल रिवोल्ट के बाद संथाल प्रज्ञा का हुआ था, उससे पहले वो नहीं बना था। आफ्टर द डीमार्केशन ऑफ दामिन एकोई संथाल सेटलमेंट्स एक्सपेंशन स्लोड डाउन। ये स्टेटमेंट गलत है। दामिन एकोई बनने के बाद संथाल सेटलमेंट और तेज गति से बढ़ा। मनी लेंडर्स इन द राजमहल हिल्स एरिया वॉज नोन एज द दीकूज। ये स्टेटमेंट सही है। राजमहल हिल्स में जो मनी लेंडर्स थे उनको दीकू के नाम से जाना जाता था। अगला चैप्टर नंबर 11 रिबेल्स एंड द राज 1857 रिवोल्ट। द वेस्टर्न एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को लागू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम ही मैकॉले मिनट्स आते हैं और मैकॉले मिनट्स के अंडर इसमें इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन को शुरू किया गया था। इन मेमोरिज्म एक पेंटिंग है जो कि जोसेफ नोएल पेंटम के द्वारा पेंट की गई थी। ऑन 10th मई 1857 को सिपाही इम्यूनिटी स्टार्टेड। 10th मई 1857 को सबसे पहले सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है और 11th मई को ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं बहादुर शाह लाल किले में। अवध वॉज डिक्लेयर्ड एज ए चेरी बाई लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को एक चेरी फ्रूट के रूप में डिस्क्राइब किया है। डलहौजी ने अपने एक लेटर में भी लिखा कि अवध एक चेरी का वो फ्रूट है जो कि किसी न किसी दिन ब्रिटिशर्स के माउथ में अपने आप आ जाएगा। 1788 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया था। सब्सिडरी अलायंस एक ट्रीटी थी जो कि लॉर्ड वेलेजली ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी। द ब्रिटिश एनेक्स्ड अवध ऑन द प्ले ऑफ मिस गवर्नमेंट। 1853 में ब्रिटिशर्स के द्वारा जब 1856 में हुआ था 1856 में जब ब्रिटिशर्स के द्वारा अवध को अनेक्स किया गया तो उसका रीज़न डलहौजी ने यह दिया था कि यहाँ पे मिस गवर्नमेंट है। ठीक है। इन कानपुर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय नाना साहब। कानपुर में जो रिवोल्ट के नेता थे वो नाना साहब थे। दी सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड इन अवध इन 1801। अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस वो 1801 में लागू किया गया था। आफ्टर वाजिद अली शाह अरेस्ट द पीपल ऑफ अवध हेल्ड बिरजिस कादर हिज सन द लीडर। अवध में वाजिद अली शाह की गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे बिरजिस कादर को लोगों ने अपना नेता माना। टू प्रोमिनेंट ब्रिटिश कमांडर हेनरी होलविक एंड जेम्स ओट्रम प्लेड एन एक्टिव रोल इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ये दो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल लिया था। नाम याद रखिए, हेनरी होलविक एंड जेम्स ओट्रम। द लास्ट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर रूल्ड प्रोविंशियल नॉमिनी लीडरशिप ऑफ द रिबेल्स ड्यूरिंग द 1857। प्रोक्लेमेशन इन हिंदी एंड उर्दू एंड पर्शियन वर पुट अप इन द सिटीज बाय सिपोईज। ये सही है। सिपाहियों के द्वारा जो प्रोक्लेमेशन आजमगढ़ की जो प्रोक्लेमेशन सब बांटी गई थी वो हिंदी उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज तीनों लैंग्वेज में शहरों में बांटी गई थी। कैप्टन हर्सले ऑफ अवध मिलिट्री पुलिस हैड बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय हिज इंडियन सबॉर्डिनेट्स ड्यूरिंग द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दौरान कैप्टन हर्सले जो कि अवध में तैनात थे उनको भारतीय सबॉर्डिनेट्स ने बचाने का काम किया था। शाह महल मोबिलाइज द विलेजर्स ऑफ द प्रगना भरूट इन उत्तर प्रदेश। भरूट प्रगना में जो 84 84 देश विलेजेस थे जिसको 84 देश बोला जाता है वहाँ पर शाह महल ने
लीडरशिप प्रोवाइड की है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग अटेम्प्ट टू मॉडर्नाइज द इक्विपमेंट ऑफ द आर्मी, तो लॉर्ड हार्डिंग ही थे जिन्होंने कि भारत में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया था। एनफील्ड राइफल वो राइफल थी जिसके अंदर जो कार्ट्रेज यूज करते थे, जो कारतूस यूज करते थे, उसको पहले मूस से काटना पड़ता था उसकी वेक्स को, और ये सिपाहियों का आरोप था कि उस वेक्स के अंदर काऊ और पिग की जो फैट है उसको यूज़ किया गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम 1857 का रिवोल्ट ऑफ मेरिट से शुरू हुआ था 10 मई को। द पेंटिंग रिलीफ ऑफ लखनऊ वॉज पेंटेड बाई, रिलीफ ऑफ लखनऊ की जो पेंटिंग है वो जेम्स जोन्स बार्कर के द्वारा पेंटेड की गई थी। हु सेड अबाउट अवध ए चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू अवर माउथ, लॉर्ड डलहौजी का स्टेटमेंट है ये। विच गवर्नर जनरल डिवाइस सब्सिडरी लाइन्स है वो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इंडिया में लागू किया गया था। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन दिल्ली, दिल्ली में रिवोल्ट का लीडर कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। द रीजन गिवन बाय द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन ऑफ अवध इन 1856, 1856 में अवध के एनेक्सेशन के लिए ब्रिटिश के द्वारा गवर्नमेंट रीजन दिया गया था वो नंबर वन है, मिस गवर्नड है, ठीक है। और अगला जो है वो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मनी लेंडर्स बिकेम ए टारगेट ऑफ रिबेल्स, वाई कि मनी लेंडर्स को टारगेट इसलिए किया गया था क्योंकि लोग उनसे बड़े दुखी थे यार कि दे वर अप्रेसिव एंड अलाइड विद द ब्रिटिश, वो भी ओप्रेसिव थे और वो ब्रिटिश के साथ एक अलाइंस बनाकर उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा ओप्रेस कर रहे थे गांव में, तो इसलिए उनको भी टारगेट किया गया था। विच गवर्नर जनरल अब्लॉइश्ड सती एंड अलाउड री मैरिज ऑफ हिंदू विडोज, ये काम विलियम बेंटिंक ने किया था। विलियम बेंटिंक ने भारत में बहुत सारे सुधार किए हैं लेकिन उस समय इन सब सुधारों को विरोध की नज़र से देखा जाता था। हु कंपोज दी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान की पोइम हमने बचपन से पढ़ी है, तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिक्चोरियल इमेज मेड इन ब्रिटेन शोविंग द इवेंट्स ऑफ 1857, जो पिक्चोरियल इमेज दिखाई गई है ब्रिटेन में 1857 में, उसका क्या मेन रीजन था, तो उसका था कि दे वांट टू क्रिएटेड ए सेंस दैट द टाइम ऑफ ट्रबल वॉज पास्ट एंड द रिबेलियन वॉज ओवर एंड द ब्रिटिश वर द विक्टर्स विक्टोरियस, वो ब्रिटिशर्स की विजय को दिखाना चाहते थे। बेल ऑफ आर्म वॉज ए स्टोर रूम, वेयर बेल ऑफ आर्म एक स्टोर रूम था जहाँ पर आर्म्स को रखा जाता था, हथियारों को रखा जाता था। गोनू ये ट्राइबल कल्टीवेटर वाज एक्टिव इन 1857 इन द एरिया, ये कहाँ का लीडर था, तो ये लीडर था आपके सिंह भूमि इन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में जो सिंह भूम जय है यहाँ पर गनू नाम से एक ट्राइबल कल्टीवेटर 1857 के रिवोल्ट में लीडर बना था। दी तालुकेदार्स वर डिक्लेयर्ड इंटरपोलर्स बाय ब्रिटिश इन दी सेक्ट, इन दी सेक्ट में समरी सेटलमेंट्स में तालुकेदार्स की पावर्स को ब्रिटिशर्स के द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो इस सेटलमेंट का नाम समरी सेटलमेंट है। विच रिकॉर्ड्स ऑफ द रिबेल्स आर अवेलेबल टू एस फॉर अंडरस्टैंडिंग द इवेंट्स ऑफ 1857, 1857 के रिवोल्ट के अंडरस्टैंडिंग लिए क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास हैं, तो रिबेल प्रोक्लेमेशन नोटिफिकेशन और लेटर ए वाला सही होगा इसमें। विच पार्ट ऑफ इंडिया डिडेंट विटनेस एनी रिबेलियन, तो रिबेलियन कहाँ नहीं हुआ, पंजाब में कोई रिबेलियन नहीं हुआ, पंजाब की सारी आर्मी ने रिबेलियन को सप्रेस करने में ब्रिटिशर्स की हेल्प की है। ट्रू एंड फॉल्स है, द इम्यूनिटी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मेरठ स्टेटमेंट ट्रू है, 10 मई 1857 का रिवोल्ट शुरू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज चेरी फ्रूट, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नहीं बल्कि लॉर्ड डलहौजी ने स्टेटमेंट दिया है। इम्यूनिटी मीन्स ए रिबेलियन ऑफ पीपल अगेंस्ट इस्टेब्लिश अथॉरिटी एंड पावर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। सब्सिडरी अलायंस है वो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने इंट्रोड्यूस किया था, ये स्टेटमेंट सही है। द टर्म फिरंगी वाज ऑफ अरेबियन ओरिजन, ये गलत है, फिरंगी टर्म ओरिजन अरेबियन नहीं था बल्कि हमारे हिंदी और उर्दू में यूज़ होता है। चार्ल्स बेले रोड द अर्लीस्ट हिस्ट्रीज ऑफ द 1857 अपराइजिंग, ये स्टेटमेंट सही है। द ब्रिटिश यूज मिलिट्री पावर ऑन ए गैग्नेटिक स्केल अगेंस्ट द रिबेल्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। देयर एग्जिस्ट एनफ एविडेंस टू शो दैट द इवेंट्स ऑफ 1857 वर प्लान्ड, ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि पहले से सारी प्लानिंग वहाँ पर चल रही थी। अलॉन्ग विद द व्हाइट स्किन पीपल मनी लेंडर्स एंड तालुकेदार्स ऑल्सो बिकेम द टारगेट ऑफ द अटैक ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी स्टेटमेंट सही है। द इवेंट ऑफ 1857 विटनेस्ड ए रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये स्टेटमेंट सही है, हिंदू मुस्लिम सिपाहियों ने साथ मिलकर इस विद्रोह में लड़ाई लड़ी है। द नवाब ऑफ अवध हु वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश इन 1856 वाज अनपॉपुलर विद हिज सब्जेक्ट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। अवध का नवाब है वो अपनी जनता में बहुत ही पॉपुलर था, जब उसको बंगाल में निर्वासित किया जा रहा था तो अवध की जनता उसे बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आई थी और उसके लिए एक गाना भी वहाँ पर खूब चला था कि अंग्रेज आइन और हमारी मुल्क बहादुर को ले गई, ठीक है। द इवेंट्स रिजल्टेड इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगेन एट दिल्ली, दिल्ली में नहीं शुरू हुआ था रिवोल्ट बल्कि मेरठ में शुरू हुआ था। दिल्ली में रिवोल्ट की शुरुआत 11 मई से हुई है और मेरठ में रिवोल्ट 10 मई को शुरू हो चुका था। बहादुर शाह जफर द लास्ट मुगल एम्प्रायर प्रोवाइडेड इफेक्टिव लीडरशिप टू द रिबेल्स ड्यूरिंग 1857, ये स्टेटमेंट गलत है। बहादुर शाह जफर ने कोई इफेक्टिव लीडरशिप नहीं दी थी, बहादुर शाह जफर को फोर्स किया गया था तो उन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड की थी। लैक ऑफ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप वाज द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये स्टेटमेंट सही है, कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, उनका कोई लीडरशिप नहीं थी जिससे कारण रिबेलियन वो फेल हो गया।
द सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध इन 1815, ये स्टेटमेंट गलत है। सब्सिडरी अलायंस अवध के ऊपर 1801 में इम्पोज किया गया था। तो एक रेस्ट लेते हैं, उसके बाद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।